मध्य प्रदेश सरकार ने एक बहुत ही बड़ा स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। इस योजना के तहत हर एक महिला को 1000 तक हर महीने मिलेगा। तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है या फिर डॉक्यूमेंट क्या क्या देना होगा और इसको अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना स्कीम के लिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करें तो एक नंबर का एलिजिबिलिटी है कि जो भी यहां पर अप्लाई करना चाहती हैं वो रेजिडेंस होना चाहिए मध्य प्रदेश के। इसके बाद सेकंड नंबर का जो कंडीशन है वो मैरिड होना चाहिए, चाहे तो वो डिवोर्स हो या फिर विडो हो तब भी चलेगा। इसके बाद तीन नंबर का जो एलिजिबिलिटी है उनका एज 23 से लेकर 60 ईयर्स तक होना चाहिए। फोर्थ नंबर का कंडीशन यही है, उनका एनुअली इनकम 2,50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट, उनके घर में कोई भी टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए, कोई भी टैक्स पे करते हैं तो वो नहीं अप्लाई कर सकते। इसके बाद उनके फैमिली मेम्बर में कोई भी गवर्नमेंट सर्विस या फिर पेंशन लेने वाले नहीं होने चाहिए, इतने टर्म्स को वो एक्सेप्ट करते हैं तो ही वो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, बैंक अकाउंट नंबर आपके पास होना चाहिए, इसके बाद आपके पास एक समग्र आईडी होना चाहिए, इसके बाद आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। अब आप सोच रहे हैं कि ये समग्र आईडी क्या है और इसे हम कैसे क्रिएट करेंगे। अगर आप इससे पहले समग्र आईडी मध्य प्रदेश में क्रिएट नहीं किए हैं तो इसके लिए आपको आना है समग्र पोर्टल में, इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। अगर परिवार को पंजीकृत करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, या फिर सिर्फ एक लोग को पंजीकृत यानी कि एक जन का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपना डिटेल्स देंगे, डिटेल्स देने के बाद आपका आईडी बन जाएगा। जैसे आपका आईडी बन जाएगा तो आपका कार्ड को प्रिंट करने के लिए तीन नंबर का जो ऑप्शन है समग्र कार्ड प्रिंट करें, यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपना डिटेल्स देके यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर eKYC करे पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको जो वहाँ पर समग्र आईडी मिला होगा उसे यहाँ पर डालेंगे, ये जो कैप्चा है यहाँ पर डालने के बाद खोजे पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर में OTP आएगा, OTP डाल के वेरीफाई करेंगे तो आपका समग्र पोर्टल में आपका आईडी KYC कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए कैसे अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के लिए आपको GP ऑफिस, वार्ड ऑफिस या फिर कैब में जाना होगा। आपको वहाँ पर एक फॉर्म मिलेगा कुछ इस तरीके का, ये फॉर्म को हमने टेलीग्राम पर पोस्ट कर दिया है। टेक मेहर टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे है, आप जाके वहाँ पर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये फॉर्म को फिल करना बहुत ही आसान है। सबसे पहला है आवेदिका का समग्र आईडी, आपको जो समग्र आईडी मिला होगा उसे यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद आधार कार्ड नंबर यहाँ पर फिल करेंगे, उनका नाम को यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखेंगे, इसके बाद उनका पति या फिर पिता का नाम को यहाँ पर लिखेंगे, जन्मतिथि डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर लिखेंगे, उनका पता और पूरा एड्रेस आप यहां पर लिखेंगे, इसके बाद मोबाइल नंबर को यहां पर लिखेंगे, इसके बाद उनका कैटेगरी क्या है, वो जनरल है या फिर वो अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति है तो यहां पर क्लिक करेंगे। इसके बाद बाकी डिटेल्स फिल करने के बाद नीचे आ जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ टर्म्स आ जाएगा कि आप 2.5 लाख से ज़्यादा कमाई नहीं करते, आपके फैमिली में कोई भी जॉब नहीं करते हैं और आपको प्रति महीने 1000 रुपीज़ मिलेगा। ये सभी टर्म्स को अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो यहाँ पर टिक टिक करेंगे सभी में। इसके बाद कुछ इस तरीके से करेंगे, ऐसे वाला को आप यहाँ पर ऐसे ऐसे कर देंगे। इसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर एप्लीकेंट का सिग्नेचर करवाएंगे, यहाँ पर आपको जो ऑफिस में देंगे यानी कि आप GP ऑफिस, वार्ड ऑफिस या फिर कैंप में आप इस फॉर्म को जब आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर वो इतना कट करके आपको दे देंगे, यहाँ पर उनका सील साइन वगैरह सब कुछ होगा। उसके बाद आपको वो फॉर्म को ले जाके वो ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन कंप्लीट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर में एक SMS आएगा कि आपका ऑनलाइन कंप्लीट हो गया है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट नंबर तो यहाँ पर डाला ही नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि आप जो आधार कार्ड नंबर समग्र पोर्टल में लिंक किए हैं उसके ज़रिए ही DBT के माध्यम से डायरेक्टली बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से आपकी अकाउंट और आधार लिंक है, इसीलिए आधार नंबर के जरिए जो आपका बैंक अकाउंट नंबर लिंक है उसमें ही आपका पैसा डिपॉजिट हो जाएगा। इसीलिए ध्यान रखें आपका आधार कार्ड के साथ कोई भी एक बैंक अकाउंट नंबर लिंक हो। जैसे ऑनलाइन अप्रूव हो जाएगा तो आप मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का हर महीने 1000 रुपये आप ले सकते हैं बिना कोई झंझट के आपके अकाउंट नंबर में।
सो इस तरह से अगर आपको मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए अप्लाई करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में जिसको भी चाहे उसे शेयर कर सकते हैं।